हेलो फ्रेंड्स, साला दर्शन और दर्पण को एकीकृत कर दिया गया है, उनका एकीकरण हो गया है आज। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंडर में आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीओ के अंडर पीओ जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, तो उसके चलते हुए इसको एकीकृत कर दिया गया है। और साला दर्शन और दर्पण दोनों को एकीकृत करने के बाद में इसको लॉगिन कैसे करोगे, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप जैसे ही आएंगे दोस्तों गूगल पे आपको टाइप करना है। और इस टाइप करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे सर्च बार में आएंगे, सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा साला दर्पण। तो साला दर्पण करना है। जैसे आप साला दर्पण करेंगे यहाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि साला दर्पण पे लॉग इन कर दिया गया एकीकृत, तो साला दर्पण जैसे आप करेंगे ये इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन ऊपर आ रहा है razramsa.nic.in पब्लिक स्कूल सर्च, तो इसके अंदर आपको लॉगिन करना है। इस पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे इस प्रकार से आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे दोस्तों। तो यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कूल लॉगिन सर्च करना होता है। तो ये इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा, दिखाई देगा। अब यहाँ आपको लेफ्ट जो राइट साइड है दोस्तों, इसमें आना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे, स्कूल लॉगिन आईडी सर्च और स्कूल लॉगिन ऑफिस लॉगिन। तो सबसे पहले आपको आईडी इसमें सर्च करनी होती है, तो स्कूल लॉगिन आईडी सर्च इसमें आप जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से लॉगिन होगा और इसके निर्देश आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ से निर्देश आपके डाउनलोड हो जाएंगे, और डाउनलोड होने के बाद इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस निर्देश को आप पढ़ लीजिए, पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो निर्देश को जैसे आप दोस्तों पढ़ेंगे, इसमें पूरा दे रखा है कि साला दर्शन पोर्टल का समन्वय साला दर्पण पोर्टल पर किया जा चुका है, जिससे साला दर्शन पोर्टल के सभी लोग निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसे साला दर्पण पोर्टल के समस्त यूजर है साला दर्पण पोर्टल पर ही लॉगिन कर सकेंगे, तो यानी कि इस पर लॉगिन कर दिए गए। अभी NIC कोड इसने दे रखा है कि इस NIC कोड से आप कर सकते हो, पूर्ववत पासवर्ड पहले से रहेंगे, ये पूरा दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ वीडियो के अंदर। तो अपन चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से जैसे ही अपन बैक आ जाते हैं, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बिलोंग करते हो, वो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट राजसमंद से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो ब्लॉक जो भी ब्लॉक आपका है वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपके नीचे जो सेलेक्ट स्कूल है, तो स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आपको स्कूल का नेम लिख दो, आपका स्कूल का नेम जैसे आप लिखोगे तो आपका नाम आ जाएगा, इस नाम को सर्च कर लीजिए। और जैसे सर्च करोगे आपकी यहाँ पर ये नीचे जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी लॉगिन आईडी होगी। इस लॉगिन आईडी से दोस्तों इस लॉगिन आईडी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपके लॉगिन में काम आएगी। अब आपको जाना होगा, ये सर्च करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा ये दूसरे ऑप्शन पर, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्कूल ऑफिस लॉगिन, इसमें आपको जाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें अपन चले जाते हैं, सबसे बाद में इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इस पर आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे स्कूल लॉगिन ऑफिस लॉगिन में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी जो आपने पहले से इसको किया था वो यहाँ से लॉगिन, और पासवर्ड आपका पहले जो आपने बना रखा है साला दर्पण का वो पासवर्ड लगेगा। और यहाँ पर आप कैप्चा लगा दीजिए, तो कैप्चा के अंदर अपन 6 लगा देते हैं, यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे अपन इसमें लॉगिन में हो जाते हैं दोस्तों आगे, तो आप आराम से समझिए इस प्रकार से आपका स्कूल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों, इसके अंदर आप पासवर्ड चेंज का ऑप्शन इधर आ रहा है, आपको पता है ये पासवर्ड चेंज का कोई बड़ा मैटर नहीं है। और यहाँ पर सारे के सारे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ जो सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन है ये एकीकृत ऑप्शन हो गया, जिसके अंदर आपको मतलब एग्जाई कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया इसका ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो मैं आपको बता दूँ कि सेलेक्ट वर्किंग रोल, इस रोल को आप सेलेक्ट करना है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट के बाद में इस प्रकार से आएगा, मान लीजिए आप GS सकरावास यानी कि स्कूल को ओपन करना चाह रहे हो साला दर्पण के लिए, तो यहाँ से करेंगे, PO के लिए करेंगे तो यहाँ से करेंगे दोस्तों। और जैसे PO को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर जैसे आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वो इसमें नीचे इसका ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं स्कूल ओपन कर रहा हूँ, स्कूल को जैसे वर्किंग रोल पर करोगे तो ये रोल चेंज हो जाएगा, और ये यहाँ पर स्कूल का नेम ऑटोमेटिक बदल जाएगा, जो आपके सामने नीचे ये आ रहा है, ये इस प्रकार से स्कूल का नेम हो जाएगा चेंज। और जैसे आप इसमें
मान लीजिए आप दूसरा स्कूल पीओ सर्च करके देखते हो, पीओ शुक्रवास, जैसे आपने ये सर्च किया तो ये यहाँ से क्लोज कीजिए इस विंडो को, ये ऑटोमेटिक यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहा आपको वर्किंग एज ए, इस प्रकार से आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसमें पीओ शुक्रवास आ जाएगा। जैसे इस स्कूल को अपन को ओपन करते हैं सबसे ऊपर वाले, तो इसको जैसे ही अपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये साला दर्पण की आईडी आपकी ओपन हो जाएगी और ये ऊपर लिखा आएगा इस प्रकार से कि वर्किंग एज ए गवर्नमेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुक्रवास, और इसकी आईडी, पासवर्ड, ऑफिस आईडी सब आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको वर्किंग करोगे दोस्तों। इसके अंदर आप ऑप्शन देखना चाहते जैसे अपने पीओ शुक्रवास, जैसे पीओ की जो ऑथराइजेशन है उसके हिसाब से अपन इसको वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इसको अपन लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद ओके करते हैं, और ओके करने के बाद में यहाँ पे ये देखो स्कूल नेम आ गया, और यहाँ पर आपके स्कूल के अंदर ये जो सारी डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ से स्कूल और यहाँ से टीचर्स जो डिटेल है वो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ नीचे आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पीओ द्वारा किए गए कार्य प्रपत्र, एमपीआर वगैरह सब इसमें यहाँ आ जाएंगे। टीचर्स पे सेलेक्ट करेंगे आप तो टीचर्स आ जाएंगे, टीचर्स की कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति का जो है यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो चेंज किए हैं, जो शाला दर्पण बना दिया गया है पूरा जो है शाला दर्शन का नाम बढ़ जाएगा, तो ये इस प्रकार से स्कूलों के नाम आ जाएंगे आप देख सकते हो। और अगर स्कूल पूरे स्कूल को आप चेंज करके देखिए, जैसे आप मान लीजिए अधीनस्थ स्कूल है आपके, उस स्कूल को यहाँ से चेंज कर दीजिए, और जैसे ही अपन चेंज करते हैं तो आपको इस प्रकार से वर्किंग रोल आ जाता है और आपका ये ओपन हो जाता है। चलिए अपन अधीनस्थ स्कूल के बारे में एक बार ओपन करके देख लेते हैं। मैंने ये जैसे स्कूल ओपन किया तो स्कूल में ओपन करने के बाद आप इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देंगे जो पॉपअप विंडो है, इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर स्कूल होम आ जाएगा और यहाँ विद्यार्थी पर पत्र आ जाएंगे सारे के सारे, यहाँ से डाउनलोड आ जाएंगे, ट्रांसफर ब्राउज़र आ जाएंगे, डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड पे देखिए डैशबोर्ड पे क्या क्या रहा है, तो डैशबोर्ड पे आपका स्कूल का जो आपको दिखाई दे रहा है ये आएगा, अभी ओपन हो रहा है, तो ये इस पर डैशबोर्ड पर इस प्रकार से डैश रिपोर्ट आ जाती है जो आपके सामने परिपत्र, नामांकन वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नामांकन लक्ष्य है, कार्य प्रगति है, पूरा का पूरा ओपन आ जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप ढूंढ लोगे, ये आपको बताना जरूरी था कि किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले दोस्तों आप स्कूल सर्च करेंगे, वहाँ से स्कूल सर्च करने के बाद वहाँ से आपको आईडी मिल जाएगा, आईडी ऑफिस जो आपको लॉगिन आईडी होगी उस आईडी से फिर आप इससे यहाँ से करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे शायद, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया वो वीडियो, और पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर सब दोस्तों तक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।